हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम कवर अप कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। आपको करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना है और स्टेटमेंट आपको फिर से लिखना है। याद रखिए, बोर्ड में भी अब आपको इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आपको क्वेश्चन फिर से, आपको पूरा का पूरा स्टेटमेंट फिर से लिखना है ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद में। तो डायरेक्टर्स आर द डैश, तो डायरेक्टर्स कौन होते हैं? तो डायरेक्टर्स आर पेड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। नो, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। तो यस, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स है वो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। तो आपको डायरेक्टर्स आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द शेयर होल्डर्स करके आपको लिखना होगा। देन डिविडेंड इज टू बी पेड टू द शेयर होल्डर्स विद इन डैश डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। डेट ऑफ डिक्लेरेशन के कितने सारे दिन बाद में, मतलब एक बार अगर डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया गया कंपनी के द्वारा तो उसके कितने दिन के बाद में है ना डिविडेंड है ना शेयर होल्डर्स को पे हो जाना चाहिए, इज टू बी पेड। तो उसके लिए जो मैक्सिमम टाइम है 30 डेज, विद इन 30 डेज इज टू बी पेड, विद इन 30 डेज हो जाना चाहिए, 30 डेज से बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। उससे पहले करते तो बहुत ही अच्छी बात है। देन रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स रिसीव डिविडेंड थ्रू डैश वॉरेंट। तो जो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स है उनको डिविडेंड है ना डिविडेंड वॉरेंट के थ्रू भी मिलता है एंड इलेक्ट्रॉनिकली भी मिलता है। तो यहाँ पे वॉरेंट जब वर्ड आता है आपको, तो आपको डिविडेंड वॉरेंट लिखना है, डिविडेंड वॉरेंट के थ्रू मिलता है। देन क्योंकि डिविडेंड रिसीव्ड वर्ड आया ना, रिसीव डिविडेंड। नाउ शेयर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट, शेयर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द शेयर होल्डर्स आर नोन एज डैश शेयर्स। तो कौन से शेयर्स बोला जाता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट इश्यू किए जाते हैं शेयर्स, तो उनको कौन से टाइप के शेयर्स बोलते हैं? तो बोनस शेयर्स, दे आर कॉल्ड एज बोनस शेयर्स। शेयर्स इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि बोनस शेयर ही खाली फ्री ऑफ कॉस्ट इश्यू होते हैं शेयर होल्डर्स को, वो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। और क्यों इशू करते हैं? क्योंकि कंपनी अपना कैपिटलाइजेशन करती है अपने रिजर्व्स का, वो एज अ कैपिटल अपने रिजर्व को बिजनेस में इन्वेस्ट करती है। नाउ शेयर सर्टिफिकेट शुड बी रेडी फॉर डिलीवरी। शेयर सर्टिफिकेट कितने दिनों में रेडी रहनी चाहिए डिलीवरी के लिए बाय द कंपनी, विद इन डैश मंथ्स, कितने महीनों में और कब? आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। एक बार शेयर्स अलॉट कर दिए जाते हैं जब शेयर होल्डर्स को, तो उसके कितने दिनों बाद है ना शेयर सर्टिफिकेट कंपनी को है ना डिलीवर करना जरूरी है अपने शेयर होल्डर्स को? तो विद इन टू मंथ्स होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पर सेक्रेटरियल करेस्पॉन्डेंस विथ मेंबर्स शुड बी। जो करेस्पॉन्डेंस मतलब मेंबर्स के साथ जो कम्युनिकेशन होता है वाया लेटर, तो वो है ना क्विक होना चाहिए एंड प्रॉम्प्ट होना चाहिए, प्रॉम्प्ट एंड प्रिसाइज होना चाहिए। तो यहाँ पर लेंदी नहीं होना चाहिए, शॉर्टकट भी नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रॉम्प्ट, क्विक एंड प्रिसाइज, पूरा डिटेल में उनके साथ में डिस्कशन होना चाहिए, उनको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, कम्युनिकेट होना चाहिए। नाउ डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय, डिविडेंड कौन रिकमेंड करता है? तो डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको रिकमेंड करते हैं, डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नाउ 8th, डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ डैश ऑफ द कंपनी। कंपनी के किससे पेड ऑफ होता है? तो डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करती है उसमें से डिविडेंड पे होता है। नाउ डैश इज इश्यूड बाय द कंपनी टू इट्स रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। तो डिविडेंड वॉरेंट इज इश्यू, डिविडेंड वॉरेंट इश्यू किया जाता है बाय द कंपनी टू रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स को, डिविडेंड वॉरेंट दिया जाता है आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड कब डिक्लेयर होता है? तो देखो सारी डिटेल है, एनुअल जनरल मीटिंग में डिविडेंड डिक्लेयर होता है कंपनी का। नाउ नेक्स्ट है मैच द पेयर, आपको मैच करना है। तो यहाँ पे दिया है डिविडेंड वॉरेंट, आपको यहाँ से करेक्ट ऑप्शन उसका सिलेक्ट करना है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है क्या, कैपिटलाइजेशन ऑफ बिल्डिंग फंड, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व फंड, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, देन डिविडेंड, देन इलेक्ट्रॉनिक कोऑपरेटिव सोसाइटी, देन नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फिक्स ट्रांसफर, देन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इंस्ट्रूमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। तो आपको है ना ये जो डिविडेंड वॉरेंट है ये क्या है, ये एक तरीका, एक जरिया है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड है। तो आपको सिलेक्ट करना है करेक्ट आंसर, वो है ई ऑप्शन, आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो ए का आपका जो करेक्ट ऑप्शन है पेयर है वो है ई ऑप्शन। देन यहाँ पे भी मैंने आप लोगों के लिए आंसर्स दिए हैं। देन रिटर्न ऑन शेयर्स, रिटर्न ऑन शेयर्स क्या है? तो रिटर्न ऑन शेयर्स मतलब होता है यहाँ पर डिविडेंड, डिविडेंड का मतलब रिटर्न ऑन शेयर्स। देन मीनिंग ऑफ डिविडेंड मतलब रिटर्न ऑन शेयर्स। देन बोनस शेयर्स का मतलब क्या है? तो बोनस शेयर्स है ये है ना
कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व फंड, जो कंपनी ने रिजर्व करके रखा हुआ है फंड है, कंपनी की जो रिटेन्ड अर्निंग्स है उसको कैपिटलाइज करती है फर्म वाया बोनस शेयर्स। देन ईसीएस का मतलब क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ईसीएस मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। तो आपका ये जो आंसर है थर्ड ये है ऑप्शन, इसका डी का थर्ड ऑप्शन है आपका आंसर। देन एनईएफटी का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, तो ई का जो करेक्ट आपको ग्रुप में से सिलेक्ट करना है, ग्रुप बी में से, वो है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, दैट इज फिफ्थ वन। तो इस तरीके से आपको करना होगा। नाउ नेक्स्ट है यहां पर राइट अ वर्ड, आपको एक सिंगल वर्ड और अ टर्म और अ फ्रेज आपको सिलेक्ट करना है विच कैन सब्स्टिट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जो कि आप है ना स्टेटमेंट्स की जगह पे इसको लिख सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो शेयर्स गिवन, शेयर्स गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, शेयर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं, वो शेयर्स को क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है बोनस शेयर्स, द शेयर्स आर कॉल्ड एज बोनस शेयर्स। नाउ नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंट फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड के लिए जो इंस्ट्रूमेंट जो वे यूज किया जाता है उसको डिविडेंड वॉरेंट बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज डिविडेंड वॉरेंट। नाउ द नेक्स्ट वन इज द शेयर होल्डर्स टू हुम द बोनस शेयर्स आर इशूड, कौन से शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स होते हैं इशू होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स को तो नहीं होते, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो रियल ओनर्स होते हैं कंपनी के और वो लोग है ना रियल रिस्क बेरर भी होते हैं। नाउ फोर्थ वन द अथॉरिटी विच रिकमेंड्स द रेट ऑफ डिविडेंड, कौन सी अथॉरिटी है जो रेट ऑफ डिविडेंड रिकमेंड करती है, तो वो होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देन फिफ्थ वन एन ऑफिसर हु कम्स इनटू कॉन्टेक्ट विथ ऑल मेंबर्स ऑफ द कंपनी, सारे के सारे जो कंपनी के मेंबर्स है थ्रू करस्पॉन्डेंस, करस्पॉन्डेंस लेटर लेटर लिखकर कम्युनिकेट करता है, वो होता है कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी इज अ ऑफिसर, ही इज अ ऑफिसर जो है ना कॉन्टेक्ट करता है सारे के सारे मेंबर्स से। नाउ सिक्स वन अ स्पेशल काइंड ऑफ चेक, स्पेशल काइंड ऑफ चेक होता है बाय अ कंपनी, कंपनी एक स्पेशल काइंड ऑफ चेक है ना वो देती है ऑन इट्स बैंकर, बैंकर को टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी, कुछ सर्टेन सम ऑफ मनी एज अ डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स, अपने मेंबर्स को एज अ डिविडेंड पे करने के लिए स्पेशल काइंड ऑफ चेक देती है, उसको डिविडेंड वॉरेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिविडेंड वॉरेंट, दैट इज कॉल्ड एज डिविडेंड वॉरेंट। ये एक इंस्ट्रूमेंट है डिविडेंड पे करने का, इंस्ट्रूमेंट है डिविडेंड पे करने का तरीका है कि वो डिविडेंड वॉरेंट के थ्रू पे किया जाता है। और ये स्पेशल काइंड ऑफ चेक जैसे ही हो गया, जैसे चेक आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो मम्मी डैडी को बोलो आपको चेक दिखाएंगे कि चेक कैसा दिखता है। नाउ डी यहाँ पे स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऑफ फॉल्स, आपको सही और गलत स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो बोनस शेयर्स आर इशू टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स इशू किए जाते हैं, तो उसको येस ट्रू, ये सही बात है। देन बिल्डिंग फंड इज यूज फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स इशू करने के लिए बिल्डिंग फंड यूज होता है, नहीं गलत, वो तो रिजर्व फंड यूज होता है, तो ये फॉल्स हो गया आपका स्टेटमेंट। देन बोनस शेयर्स मीन्स कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व फंड, तो सही बात है, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व फंड मतलब बोनस शेयर्स। ट्रू। नाउ रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स गेट्स डिविडेंड, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है थ्रू डिविडेंड कूपन्स, डिविडेंड कूपन्स के लिए थ्रू मिलता है या डिविडेंड वारंट्स के थ्रू, डिविडेंड वारंट्स के थ्रू मिलता है, तो आपको यहाँ पे डिविडेंड वारंट्स होता है तो आप ट्रू लिखते हैं, अभी कूपन्स बड़ा है तो फॉल्स है। देन फिफ्थ वन यहां पर है रजिस्टर्ड, यहाँ पर फिफ्थ वन डिविडेंड इज द पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट्स, ये पोर्शन है प्रॉफिट्स का ऑफ द कंपनी विच इज अलॉटेड टू द होल्डर्स ऑफ, जो कि अलॉट किया जाता है और टू द होल्डर्स ऑफ द डिबेंचर ऑफ द कंपनी, गलत, डिविडेंड इज द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी विच इज अलॉटेड टू द होल्डर्स ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी, इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी, वो आना चाहिए था, तो ये फॉल्स हो गया, डिबेंचर होल्डर को कोई डिविडेंड नहीं मिलता, उनको इंटरेस्ट दिया जाता है। नाउ एवरी कंपनी मस्ट इशू और डिस्पैच, इशू करना चाहिए उन्हें या डिस्पैच करना चाहिए शेयर सर्टिफिकेट टू द अलॉटी, अलॉटी को विद इन 3 months आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ शेयर, तो 3 months थोड़ा ना ऐसा है, 2 months आफ्टर द अलॉटमेंट होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 months आ गया तो मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, तो आपको स्टेटमेंट ध्यान से रीड करके ही आपको ट्रू एंड फॉल्स लिखना है, ये आपको याद रखना है। देन सेवेंथ वन अ कंप्लेंट लेटर शुड बी रिप्लाइड प्रॉम्प्टली, प्रॉम्प्टली रिप्लाई करना जरूरी होता है, कंप्लेंट लेटर का रिप्लाई तुरंत करना जरूरी होता है, शुड नॉट नहीं होता है, शुड नॉट लिखा है मतलब तो गलत हो गई, जितना जल्दी हो सके क्विकली है ना
रिप्लाई देना चाहिए कंप्लेंट लेटर का शेयर होल्डर्स को, और इसको सीएस जो अपना कंपनी सेक्रेटरी होता है उसको प्रॉम्प्टली एंड प्रिसाइजली उसको लेटर का जवाब देना जरूरी होता है। तो यहाँ पे ये है ना शुड नॉट बोला, इसीलिए फॉल्स स्टेटमेंट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहे हैं। नाउ यहाँ पे ई है फाइंड द ऑड वन, आपको ऑड वन फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे सिक्रेसी, डिविडेंड, इंटरेस्ट, तो डिविडेंड एंड इंटरेस्ट ये ना रिटर्न्स देने की बात हो रही है कि आप इन पे इंटरेस्ट आप डिविजर होल्डर्स को देते हो, डिविडेंड आप शेयर होल्डर्स को देते हो, तो कंपनी दे रही है। और ये सिक्रेसी ये है ना, ये तो स्किल हो गई एक तरीके से, तो सिक्रेसी यहाँ पे ऑड वन हो जाता है ना। बोनस, बोनस लेटर, देन डिविडेंड लेटर, देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो ये जो बोनस लेटर एंड डिविडेंड लेटर ये टाइप ऑफ लेटर्स हो गए, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ये क्या हो गया, ये ऑड वन हो गया। देन डिविडेंड वारंट एंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट वारंट, तो इंटरेस्ट वारंट है वो डिवेंचर होल्डर्स को दिया जाता है, और डिविडेंड वारंट है वो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। तो ये डीमेट है, ये तो टाइप ऑफ अकाउंट है, डीमेटेरियलाइज अकाउंट जिसे हम बोलते हैं, तो ये तो है ना ऑड वन हो गया, तो यहाँ पे इसको ऑड वन आपको निकाल देना है ना। सेक्रेटरी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सेक्रेटरी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड डिविडेंड, ये एंड लूसिड लैंग्वेज, तो यहाँ पर सब बात हो रही है कि सेक्रेटरी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड डिविडेंड, ये सब कंपनी रिलेटेड हो गया, एंड लूसिड लैंग्वेज ये आपको ऑड वन आउट हो गया, आपको सिलेक्ट करना है। नाउ कंप्लीट द स्टेटमेंट सेंटेंसेस, आपको सेंटेंसेस कंप्लीट करने, तो डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कौन रिकमेंड करता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करता है, घुमा फिरा के वही आ रहे हैं वापस। देन कंपनी, अ कंपनी कैपिटलाइजेस इट्स रिजर्व फंड फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स के लिए वो कैपिटलाइज करती है अपने रिजर्व फंड को। देन पेमेंट ऑफ डिविडेंड मस्ट बी मेड विद इन 30 डेज ऑफ, एक बार डिक्लेयर कर दिया तो 30 दिन के अंदर अंदर अंतराल में ही ये है ना पेमेंट करना पड़ता है डिविडेंड का। देन डिविडेंड इज अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव किया जाता है डिविडेंड, डिविडेंड इज अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग। नाउ द डैश हैज टू कम्युनिकेट, तो सेक्रेटरी कम्युनिकेट करता है द डिसीजंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के डिसीजंस टू द मेंबर्स, अपने मेंबर्स को बाय कंडक्टिंग करस्पॉन्डेंस, मतलब लेटर उनके साथ कम्युनिकेट करके वाया करस्पॉन्डेंट करस्पॉन्ड करके उनके साथ लेटर लिख के उन्हें इंटीमेट करता है, इन्फॉर्म करता है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। नाउ जी सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट, ब्रैकेट से आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो रिटर्न ऑन शेयर्स, तो रिटर्न ऑन शेयर्स का मतलब होता है डिविडेंड, रिटर्न ऑन शेयर्स मतलब डिविडेंड, एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व फंड का मतलब होता है बोनस शेयर्स, देन करस्पॉन्डेंस का मतलब रिटर्न कम्युनिकेशन, राइटिंग में, इन राइटिंग कम्युनिकेट करना, इन राइटिंग रिटर्न कम्युनिकेशन मतलब करस्पॉन्डेंस, देन पेमेंट ऑफ डिविडेंड इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रॉनिकली जब पेमेंट होता है डिविडेंड का तो उसको ईसीएस बोला जाता है, उसको ईसीएस बोलते हैं। आई होप आपको यहाँ तक के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। अभी ये जो नेक्स्ट आंसर इन वन सेंटेंस, व्हाट इज डिविडेंड वारंट, डिविडेंड वारंट का मतलब क्या होता है, तो आंसर वन, डिविडेंड वारंट इज एन इंस्ट्रूमेंट, आपको कैसे लिखना है, डिविडेंड वारंट क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है और लेटर है जो कि कौन इशू करता है, तो इशूड बाय द कंपनी, किस लिए इशू करती है, तो फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट के लिए, डिविडेंड पेमेंट के लिए इशू करती है टू द शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स को इशू करती है। देन ये स्पेशल काइंड ऑफ चेक होता है। देन व्हाट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब है कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स जो होते हैं कंपनी के इनटू कैपिटल, उनको रिजर्व्स इनटू कैपिटल वो कंपनी क्या करती है, वो कैपिटलाइज करती है इनटू वो कैपिटल में कन्वर्ट करती है उसको बाय इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स इश्यू कर इज कॉल्ड एज कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। नाउ नेक्स्ट है कि व्हाट इज डिविडेंड, डिविडेंड मतलब क्या होता है, तो डिविडेंड, अ डिविडेंड इज, डिविडेंड इज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, ये शेयर है प्रॉफिट्स का दैट अ कंपनी पेज आउट, कंपनी पे करती है टू इट शेयर होल्डर, शेयर होल्डर्स को पेमेंट करती है, पार्ट ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट है, इट इज अ डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, इट इज अ पार्ट ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट दैट अ कंपनी पेज आउट टू इट शेयर होल्डर्स। देन हु रिकमेंड्स रेट ऑफ डिविडेंड, रिकमेंड कौन करता है रेट ऑफ डिविडेंड के लिए, तो कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो रिकमेंड करते हैं रेट ऑफ डिविडेंड, वो ही रिकमेंड करते हैं। देन फिफ्थ वन, विच टाइप ऑफ शेयर होल्डर्स एंजॉय द बेनिफिट ऑफ बोनस शेयर्स, बेनिफिट बोनस शेयर्स का बेनिफिट कौन से टाइप ऑफ शेयर होल्डर्स है वो एंजॉय करते हैं, तो जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, जो कंपनी के एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स वो एंजॉय करते हैं बेनिफिट बोनस शेयर्स का। नाउ व्हाट इज मेंट बाय
पेमेंट ऑफ डिविडेंड इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रॉनिकली डिविडेंड पे करने को क्या बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, इसका मतलब क्या होता है, तो द अमाउंट ऑफ डिविडेंड क्रेडिटेड थ्रू, जो क्रेडिट होता है थ्रू ईसीएस और एनईएफटी होता है, ईसीएस होता है तो वो डायरेक्टली टू द बैंक अकाउंट ऑफ द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली इश्यू वो क्रेडिट हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज पेमेंट ऑफ डिविडेंड इलेक्ट्रॉनिकली, उसको पेमेंट ऑफ डिविडेंड इलेक्ट्रॉनिकली बोला जाता है। जो नेक्स्ट है आई वाला कि करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड्स और री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आपको अंडरलाइन किया हुआ जो वर्ड उसको सही करना है और वापस से स्टेटमेंट लिखना है। तो यहाँ पे दिया है डिविडेंड इज रेकमेंडेड बाय शेयर होल्डर्स, तो डिविडेंड रेकमेंड कौन करता है, शेयर होल्डर्स थोड़ी ना करता है, अभी तक हमने बार बार इसको रिपीटेडली हम स्टडी कर रहे हैं कि डिविडेंड इज रेकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हमको करेक्ट ऑप्शन है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लिखना है। देन सेकेंड द पर्सन हु परचेसेस शेयर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के जो शेयर्स परचेस करता है इज कॉल्ड एज डिपॉजिटर, क्या उसको डिपॉजिटर बोलते हैं, जो शेयर्स परचेस करता है उसको तो शेयर होल्डर बोला जाता है, तो इस डिपॉजिटर की जगह पे हमको है ना शेयर होल्डर है ना लिख कर ये स्टेटमेंट पूरा का पूरा आपको वापस लिखना होगा, ये पूरा स्टेटमेंट आपको वापस लिखना होगा, आपको डिपॉजिटर की जगह पे आपको शेयर होल्डर वर्ड है ना वो लिखना है। देन बोनस शेयर्स आर इशूड एज अ फ्री गिफ्ट, एज अ फ्री गिफ्ट दिया जाता है टू किसको दिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर को अंडरलाइन किया हुआ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को थोड़ा ना मिलता है, ये तो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है, तो यहाँ पे हमको प्रेफरेंस शेयर के बदले, प्रेफरेंस के बदले हमको एग्जिस्टिंग इक्विटी लिखना है और शेयर होल्डर्स, तो पूरा स्टेटमेंट फिर से लिखना होगा। नाउ पेमेंट ऑफ डिविडेंड मस्ट बी मेड विद इन 21 डेज, 21 दिन के अंदर थोड़ी ना, डिक्लेरेशन के बाद में एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया डिविडेंड तो उसके 30 डेज के अंदर है ना पेमेंट ऑफ डिविडेंड है वो क्लियर करना चाहिए, दे देना चाहिए शेयर होल्डर्स को। नाउ नेक्स्ट अ कंपनी मस्ट इशू द शेयर सर्टिफिकेट विद इन 3 मंथ्स ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ शेयर, तीन महीने के अंदर अलॉटमेंट ऑफ शेयर के 3 महीने के अंदर देना चाहिए क्या, तो नहीं, अ कंपनी मस्ट इशू शेयर सर्टिफिकेट विद इन 2 मंथ्स, 2 महीने के अंदर विद इन 2 मंथ्स ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ शेयर है ना उनको शेयर सर्टिफिकेट मिल जानी चाहिए। नाउ लास्ट ये जो है पार्ट इसका है अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, आपको प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है, तो यहाँ पे अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स है, एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स है, देन शेयर सर्टिफिकेट है, तो सबसे पहले एप्लीकेशन आएगी तो हमको लिखना है एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स, बाद में है ना अलॉट किए जाएंगे शेयर्स, तो सेकेंड ऑर्डर में लिखना है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, एंड जो थर्ड आएगा वो आएगा शेयर सर्टिफिकेट, आपको लिखना होगा शेयर सर्टिफिकेट, अलॉटमेंट के बाद शेयर सर्टिफिकेट का नंबर आता है। अभी सेकेंड मेंबर एप्लीकेंट एंड देन बोनस शेयर, तो सबसे पहले एप्लीकेंट बनता है, बंदा अप्लाई करने वाला बंदा है उसको एप्लीकेंट बोला जाता है, तो एप्लीकेंट पहले आएगा, बाद में वो जब इसकी एप्लीकेशन वो है ना एक्सेप्ट कर ली जाती है कंपनी के द्वारा तो उसको वो है ना मेंबर बना दिया जाता है, तो वो मेंबर बनता है और लास्ट में फिर है ना जब वो मेंबर बन जाता है और जब तब कंपनी को अपना कैपिटलाइज करना होता है अपना रिजर्व, तो कंपनी है ना बोनस शेयर देती है मेंबर्स को, तो लास्ट में बोनस शेयर की बारी आती है, तो इस तरीके से आपको लिखना होगा। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 लेकर आऊंगी, तो तब तक के लिए आपको है ना ये जो मैंने जितने भी एक्सरसाइज कराई है उसको आपको कवर अप करना है, आपको नोट डाउन कर लेना, हार्ड कॉपी आपके पास रखनी है आपको एग्जाम के लिए, एंड ऑल द बेस्ट, स्टडी करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, एंड चैनल लिंक को फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।